औपचारिकता बस से बल्कि दिल से केंद्र रेडियो की शुरुआत करने के लिए बड़े भाई साहब आदरणीय संजय आर्य साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं भी देता हूँ, क्योंकि नवाचारों के लिए बहुत सारे लोग हमारे जिले में जाने जाते हैं, जिसमें संजय आर्य साहब भी, और यही वजह है कि हम लोग इनके साथ बहुत ज्यादा आत्मीयता महसूस करते हैं। सगरिया के लोग कितने खुश नसीब हैं कि जो जिला मुख्यालय पर बहुत पहले हो जाना चाहिए था, उसकी शुरुआत सगरिया से हो रही। निश्चित रूप से यहाँ के लोग नवाचारों के लिए जाने जाते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं। ये चेतना रेडियो की जो शुरुआत हो रही है उस समय हो रही है जब मीडिया में बहुत सारे सवाल हो रहे हैं, मीडिया को खुद कंट्रोल में हर आदमी मीडिया पर सवाल उठा रहा है, खासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात कर रहा हूँ। प्रिंट मीडिया के साथ हाथ वैसी है जैसी होनी चाहिए, कुछ अपवाद को मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन ऐसी क्या वजह हुई, क्या वजह है कि लोग जिसे बहुत ज्यादा अपेक्षा करते थे, उम्मीद करते थे, उसको सवालों के घेरे में ले गए। इस पर मुझे बहुत ज्यादा बात नहीं कहनी, मैं तो एक बात कहता हूं कि अगर कोई टेलीविजन यानी टीवी चैनल की बात कर रहा हूं कि अगर समाज के खिलाफ या जो हमारी सामाजिक एकता है उसके खिलाफ बात करे, चैनल को बंद कर देना चाहिए। अगर कोई टीवी चैनल जनता की आवाज बुलंद करने में सक्षम नहीं है तो उस टीवी चैनल का बहिष्कार होना चाहिए। कोई अखबार भी हो सकता है, मैं भी हो सकता हूँ बतौर पत्रकार, अगर आपको लगता है कि आदमी अटकाव की स्थिति है तो जो हमारे पाठक है, जो सर्वे सरकार है, उनका यह हक बनता है कि आदमी का सामाजिक बहिष्कार, लेकिन बहिष्कार होगा कैसे, क्योंकि अब तो समाज का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया है, अब तो समाज ही नहीं रहा, समाज को हमने बहुत छोटे शब्द में बांट दिया, समाज को हमने जातिगत दामा फैला दिया, अब समाज कौन है, समाज को बताता है कि 35 कौम के लोग होते थे, पंच परमेश्वर हुआ करते थे, गांव में कोई बात होती थी तो बैठ कर उसका समाधान कर लेते थे, लेकिन आज समाज की परिभाषा बदल गई हमने, आज हम कहते हैं हमारा ब्राह्मण समाज है, आज राजपूत समाज है, जाट समाज है, कुम्हार समाज है, यानी जातिगत रूप से अपने समाज की परिभाषा बदल रहे हैं। गलती तो हम खुद कर रहे हैं, तो खामियाजा भी खत्म कर रहे हैं और आज हम कर रहे हैं। जहां तक चेतना रेडियो की बात है, एक बात आती है कि साहब देखने के समय में जब आप सबको दिखता है उसमें सुनने की बात कैसे हो, क्योंकि आज तक तो सुनना पसंद नहीं करता, हर आदमी बोलना चाहता है, एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है, लेकिन अति सर्वत्र बढ़ गए हैं कि हमें बहुत पहले बढ़ कि जब अति हो जाती है वहीं से कई बुनियाद नहीं बढ़ पा रही। मुझे लगता है कि पिछले एक दशक से इस तरह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कंटेंट के नाम पर सिर्फ भरे ही दिखाई गए, ऐसे समय में अब लगता है कि इस तरह की कुछ इतना सामुदायिक हिसाब से एक नई परिभाषा मीडिया की सामने आ रही है। जैसा मैंने पहले कहा कि हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर अभी तक ये सुविधा नहीं है, लेकिन सगरिया में इसकी शुरुआत हो रही है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके कर्ता जो सूत्रधार हैं, जिनके हाथ में कमान है, वो परसों से इस इलाके में समाज को बदलने के लिए काम कर रहे हैं आदरणीय संजय आर्य साहब, तो ऐसे में हम उम्मीद करते हैं इस तरह से सरकार का प्रोटोकॉल होता है, नियम होता है कि आप 50% बात इस तरह से करेंगे, लेकिन उन्होंने खुद आगे बढ़कर कहा कि 7% हम समाज के पास जाएंगे। संगरिया की बात, संगरिया तो वो सबको भूमि है कि स्वामी केशवानंद जी के लिए, तो पूरा भारत जानता है संगरिया, मुझे लगता है इस रेडियो के माध्यम से संगरिया का नाम और ज्यादा प्रसन्न होगा। संजय आर्य जी उपभोक्ता मामले के जानकार हैं, सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए हैं, और क्योंकि हमारा जो कृषि बैल है, कृषि बैल में बहुत सारे नवाचार होते हैं जो हमारे किसान आए, मुझे याद आ रहा है कि मंत्री जब कृषि की बात करता हूँ
मालूम था जिनका दावा बहुत सफल रहा, जिन्होंने एक अलग पहचान बनाई थी इस इलाके में कि पेस्टिसाइड का उपयोग कम से कम हो, और जिस तरह से कैंसर बेल होता द्वारा अपमानित मिला उनके अंदर की जहाज मिले तो हकीकत की स्थापना की थी। मुझे लगता है मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि हम मानकर जिले में प्रकृति से किसानों की संख्या पहुँच जाता है। अगर उन लोगों को आगे आने का मौका मिलेगा ये तो के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र की बात होगी, शहर के विकास की बात होगी, सुनना पसंद करेंगे। जब सहभागिता बढ़ेगी हम सब की तो ये लोकप्रिय हो जाएगा।